इस वक्त मार्केट में बहुत ही बुरी खबर चल रही है कि जो जेनेसिस नाम की क्रिप्टो लेंडर कंपनी है उन्होंने बैंकरप्टसी फाइल कर दी है, जिसकी वजह से मार्केट में एक बार फिर से बहुत ही ज़्यादा फट क्रिएट हो चुका है और अभी मार्केट में हलचल आपको ज़्यादा दिखेगी, यानी कि यहाँ वॉलिटिलिटी बहुत ज़्यादा होने वाली है। हालांकि जो BTC का प्राइस है अभी $21,000 से भी ऊपर चल रहा है, यानी कि थोड़ा सा इंक्रीज हमें देखने को मिला है। तो आखिर आगे चलकर इससे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, मार्केट अभी कहाँ तक जाएगी, वो हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो पूरा देखते रहना, अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो वॉफिट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, और अगर आपको अपडेट साथ के साथ चाहिए तो आप हमारे वॉफिट ऑफिशियल टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, तो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि यहाँ पे जेनेसिस है क्या, जेनेसिस बैंकरप्ट हो गया तो उसका क्रिप्टो से क्या लेना देना है। तो जेनेसिस एक क्रिप्टो लेंडर है जिसने अपनी बैंकरप्टसी फाइल करी है, लेकिन बात यहाँ यह है कि जेनेसिस एक्सचेंज है ये लार्जेस्ट, इसके जो क्रेडिटर्स हैं उनमें आते हैं जेमनी एक्सचेंज, बायबिट, बेबल फाइनेंस, कॉन्सिडेंट कैपिटल, तो इस तरह की और भी कई सारे एक्सचेंजेस हैं जिनमें लगभग 50 ऐसे अनसिक्योर्ड लेंडर्स भी हैं। तो यहाँ आपको भी हम बता देते हैं कि एक्चुअल में मार्केट में फट क्रिएट क्या हो रहा है। तो बात यह कि जेनेसिस नाम की कंपनी है, उनका डिस्प्यूट चल रहा है जेमनी एक्सचेंज के साथ, जिसमें लगभग $900 मिलियन का घपला चल रहा है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि मार्केट में इतना बुरा इंपैक्ट क्यों पड़ने वाला है। $900 मिलियन यानी कि ऐसा मान लो लगभग $1 बिलियन का लगभग है। लेकिन यहाँ पे बात है कि जब FTX एक्सचेंज फेल हुई है, इनकी इंसॉल्वेंसी हुई है, उसी का इंपैक्ट जेनेसिस के ऊपर भी पड़ा है। तो बात यह कि हमें ये पहले भी पता था, क्योंकि नवंबर महीने के अंदर जब ऐसा माहौल चल रहा था FTX एक्सचेंज का, तब भी ये चीज़ सामने आ चुकी थी कि जेनेसिस के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, जेमनी एक्सचेंज के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, उनके सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी फेल होने वाले हैं। तो एक्चुअल में जेमनी ने अपना खुद का लैंडिंग प्रोडक्ट शुरू किया था अर्न के नाम से, जो कि इन पार्टनरशिप विद जेनेसिस था, लेकिन जेनेसिस अभी $900 मिलियन का अमाउंट जेमनी को वापस नहीं कर पाया, जिसकी वजह से उनका प्रोडक्ट तो गया ही गया, लेकिन इसी के साथ जेमनी एक्सचेंज के ऊपर भी बुरा इंपैक्ट पड़ा। अब बात यहाँ ये आती है कि जो SEC है उन्होंने चार्ज किया जेनेसिस और जेमनी दोनों एक्सचेंजेस के ऊपर, एक बहुत बड़ा आरोप लगाया गया कि इन्होंने सिक्योरिटी सेल करी है हजारों इन्वेस्टर्स को, जिसमें मिलियंस ऑफ डॉलर, इवन बिलियंस ऑफ डॉलर्स का यहाँ पे घपला हुआ है। तो अभी जो जेनेसिस है इनकी लाइबिलिटी बनती है लगभग $1.2 बिलियन से लेकर $11 बिलियन तक की। अब यहाँ पे आप सामने एक लिस्ट देख सकते हैं जिसमें कई सारे ऐसे क्रेडिटर्स हैं जिनको जेनेसिस से पैसा मिलना चाहिए था, लेकिन इन्होंने बैंकरप्टसी अप्लाई कर दी है, जिसकी वजह से इनको कुछ भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल वैसे ही कैसे जैसे FTX एक्सचेंज के साथ हुआ था। लेकिन बात यह भी है कि FTX एक्सचेंज की वजह से ही जेनेसिस के ऊपर ऐसा इंपैक्ट पड़ा है। अब $765 मिलियन तो है जेमनी का, बायबिट का है लगभग $152 मिलियन, बेबल फाइनेंस का है $150 मिलियन, कोइंसिडेंट कैपिटल का $112 मिलियन, और ऐसे कई सारे 50 और अनसिक्योर्ड क्लेम्स हैं। तो यहाँ से आपने ये चीज़ सीखनी है कि एक्चुअल में जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो उसको बहुत ही सोच समझ के उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, खासकर क्रिप्टो प्रोजेक्ट, क्योंकि अभी क्रिप्टो करेंसीज क्या है, जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं, क्रिप्टो प्रोडक्ट्स हैं, खासकर प्रोडक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो इतने डेवलप्ड नहीं है, उसमें हम इतना विश्वास नहीं बना सकते। जैसा कि इन्होंने अर्न के नाम का ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया और उसमें कितना बड़ा पैसा फंस चुका है लोगों का, बिल्कुल वैसी FTX का भी यही हाल था। लेकिन एक अच्छी खबर भी है, वो हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर के बाद, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि BTC का अभी क्या होगा, क्योंकि ये जेनेसिस की बैंकरप्टसी की जो बात हुई है ये सामने आई तो है, फट भी क्रिएट हुआ है, लेकिन फिर भी BTC का प्राइस $21,000 से ऊपर चल रहा है। तो जनरली मार्केट में ऐसा ही होता है, जब भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस एकदम नीचे जाएगा, मार्केट में फट क्रिएट हो चुका है, तो जनरली प्राइस ऑपोजिट साइड में ही जाता है, लेकिन फिर भी $20,600 से अभी $21,200 के आसपास BTC का प्राइस आज के दिन पहुंचा है, और इसका RSI भी लगभग 80 के आसपास पहुंचा है। RSI अगर 80 पहुंचा तो इसका मतलब ये भी है कि ओवरबॉट हो चुका है, जिससे क्या कि इसका प्राइस अभी नीचे पहुंचेगा। RSI का ये अगर हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल देखें तो वो 88 के आसपास, यानी कि 88 के आसपास है, अगर यहाँ तक पहुँचता है तो एकदम से फिर से RSI नीचे जाएगा, उसका मतलब ये होगा कि अभी फिर से प्राइस नीचे गिरना शुरू हो सकता है BTC का। तो ये तो हमने RSI की बात करी, लेकिन अगर BTC के प्राइस की बात करें तो इसका जो रेजिस्टेंस है वह $21,400 के आसपास, अगर यहाँ पे ये अगर रेजिस्टेंस क्रॉस कर जाता है फिर तो प्राइस ऊपर जाएगा, लेकिन इस रेजिस्टेंस पे हमें एक रिवर्सर भी देखने को मिल सकता है। ओवरऑल अगर हम क्रिप्टो मार्केट कैप की बात करें तो ये $980 बिलियन के आसपास चल रहा है, यानी कि $1 ट्रिलियन से लगभग $20 बिलियन नीचे चल रहा है। ऐसा नहीं है कि सारे क्रिप्टो करेंसीज ऊपर बढ़ना शुरू हो चुकी हैं, तो यहाँ पे सिर्फ BTC का या फिर कुछ ही कॉइन्स का ही प्राइस ऊपर बढ़ना शुरू हुआ है।
लेकिन अभी एक बहुत ही अच्छी अपडेट आ रही है सैमसंग की तरफ से कि सैमसंग अपना खुद का क्रिप्टो वॉलेट लॉन्च करने जा रहा है जो कि लिंकेबल होगा मोबाइल पेमेंट सॉल्यूशन के साथ। इससे पहले अगर आप नहीं जानते तो सैमसंग का खुद का एक पेमेंट सॉल्यूशन भी है और अभी सैमसंग वॉलेट अपना लॉन्च करेगा जो कि ब्राज़ील, इंडिया, मलेशिया और ऐसी 5 और कंट्रीज में लॉन्च करने जा रहा है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हांगकांग, सिंगापुर, ताइवान, यानी कि बड़े बड़े जो इकोनॉमीज हैं उन्हीं में लॉन्च किया जा रहा है। जैसे कि बड़ी इकोनॉमीज अभी कनाडा आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, इंडिया आ रहा है और मोस्ट एडवांस नेशंस की बात करें जो क्रिप्टो में इन्वॉल्व है उसमें ब्राज़ील, मलेशिया, सिंगापुर, हांगकांग ये सारे ही हैं। उससे भी बड़ी बात यह कि अभी जो यूनाइटेड स्टेट्स है यानी कि अमेरिका में ऑलरेडी गैलेक्सी स्मार्टफोन्स में जो ओनर्स हैं वो अपने सैमसंग वॉलेट को लिंक कर सकते हैं कॉइन बेस अकाउंट के साथ। और ऐसे ही सेम ऑप्शन जेमिनी क्रिप्टो एक्सचेंज के लिए भी अवेलेबल है, लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी जेनेसिस की वजह से जेमिनी एक्सचेंज के ऊपर भी एक बुरा असर पड़ रहा है, यानी कि इसके लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैलने वाली है। लेकिन एक मेरी छोटी सी सजेशन है कि अगर सैमसंग यहाँ खुद का अपना वॉलेट लॉन्च कर रहा है, इससे क्या है कि सैमसंग आपके जो क्रिप्टो एसेट्स हैं उनको ट्रैक भी करने वाला है, वो डाटा हो सकता है वो कहीं भी सेंड कर दे या फिर वो डाटा शेयर कर सकता है गवर्नमेंट्स के साथ। तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन या फिर जो हम प्राइवेसी समझते हैं कि क्रिप्टो करेंसीज में आकर मिलती है वो शायद नहीं रहेगी। इसी के साथ आपको मैं एक प्रोजेक्ट शेयर करना चाहता हूँ जो हमारे इंडिया का वेब 3 बेस्ड बहुत ही एडवांस प्रोजेक्ट है पुश प्रोटोकॉल के नाम से, जो अपना खुद का पुश चैट के नाम से अलग से चीज़ लेकर आया है। तो एक्चुअल में पुश इनेबल करता है क्रॉस चेन नोटिफिकेशंस, यानी कि अलग अलग अगर चेन्स हैं उनके ऊपर भी नोटिफिकेशंस भी अवेलेबल हो सकते हैं, यानी कि आप मैसेजेस कर सकते हो इवन डैप्स के ऊपर, वॉलेट्स के ऊपर। अब नोटिफिकेशंस यहाँ अलग अलग तरह के भी हो सकते हैं, जैसे कि अगर आप कुछ भी सेंड करते हो या फिर रिसीव करते हो वो आपको डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स के ऊपर नहीं मिलते, लेकिन पुश यहाँ पे अलाउ करता है आपको कि आप नोटिफिकेशंस भी ले पाएं अगर कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शंस होती है। तो इस तरह का कम्युनिकेशन लेयर सिर्फ पुश के द्वारा ही डेवलप किया जा रहा है जो कि वेब 3 के ऊपर काम कर रहा है। और अगर आपको याद नहीं है तो ये पहले EPNS के नाम से प्रोजेक्ट था, अभी ये पुश के नाम से है यानी कि पुश प्रोटोकॉल के नाम से। तो अगर किसी भी तरह का डिफाई प्रोटोकॉल है तो वहाँ पे पुश नोटिफिकेशंस को कनेक्ट किया जा सकता है जिससे हमें नोटिफिकेशंस मिल सकते हैं। और भी ऐसी पुश को लेकर अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम के ऊपर मिलते रहेंगी। और आप इसका पुश के नाम से कॉइन अभी बाय कर सकते हो वजीरएक्स के ऊपर, तो वजीरएक्स के ऊपर कॉइन बहुत ही इजीली मिल जाएगा जिससे आपको आने वाली अगर बुल रैली है तो उसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट भी मिल सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा या इन्फॉर्मेटिव लगा जेनेसिस को लेकर, प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और इसी के साथ हमारे चैनल वॉफिट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी सबसे पहले पहुँचते रहें। धन्यवाद।